I'll be giving you all the details about BTS first year. So hey everyone, ये video mainly दो parts में divided है. पहली तो उन बच्चों के लिए जो इस साल BTS first year start करेंगे और दूसरी उनके लिए जो अभी मतलब जिनका last year BTS first year start हुआ था और जिनके अभी थोड़े time में exams आने वाले हैं, तो उनकी second video बनेगी. ये first video है, part one, उन बच्चों के लिए जो अभी मतलब आने वाले हैं BTS first year में 2023 batch. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स होते हैं चार और पेपर होते हैं तीन. चलो आपको बताती हूँ कैसे. पहला है ह्यूमन एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी. इसमें 70 मार्क्स का एक पेपर होगा, थ्योरी पेपर. ठीक है, पेपर नंबर वन हो गया. पेपर टू होता है डेंटल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी का, वो भी 70 मार्क्स का होगा, थ्योरी पेपर. और उसके बाद जो थर्ड पेपर होता है उसमें हमारा BTS में फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री कम्बाइंड आता है. मतलब एक ही दिन में हमें दोनों पेपर देने होते हैं. उनके लिए हमें अलग अलग शीट्स मिलती हैं. अलग शीट पे फिजियोलॉजी करना होता है, अलग पे बायोकेमिस्ट्री, बट वो 35 मार्क्स का होता है, 35 फिजियो, 35 बायोकेम. तो वो मिला के 70 बना. मतलब हमें टोटल 3 पेपर्स देने होते हैं फर्स्ट ईयर में थ्योरी. और इसके अलावा प्रैक्टिकल्स, 100-100 मार्क्स के होते हैं. ह्यूमन एनाटॉमी में 100 मार्क्स एक दिन होगा. इसमें प्रैक्टिकल्स हमें फिजियोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का अलग अलग दिन ही देना है, और जो डेंटल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी का उसका अलग प्रैक्टिकल. सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए. इसके बाद बुक्स, बुक्स का अभी फ़ोटोज़ सारी इस क्लिप पे ऐड कर दूंगी, आप देख लेना ऑथर्स कौन से हैं, कौन सी बुक्स मैंने यूज़ की थी, स्टैंडर्ड बुक्स कौन सी हैं. ह्यूमन एनाटॉमी की मेनली वी डी चौरसिया, लेक्टर्स डेंटल एनाटॉमी, उसमें दो बुक्स होते हैं, एक ऑर्बन्स पढ़नी होती है, एक व्हीलर्स पढ़नी होती है. ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो ऐसे सीधे सर्च करोगे तो आपको सामने मिल जाएगी. मेक श्योर कि आप लेटेस्ट एडिशन ले रहे हो उस बुक का. उसके अलावा थर्ड सब्जेक्ट इज़ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी की बुक हमने तो मेडिकल फिजियोलॉजी ही ली थी, बट एक डेंटल वाली भी आती है. हमें ये हमारे टीचर ने रिकमेंड किया था कि आप सारी उम्र आपको फिजियोलॉजी काम आएगी, तो आप मेडिकल वाली लो, कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उससे ले सकते हो. और ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री. प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, सबसे पहले डेंटल एनाटॉमी, इसमें हम कार्विंग करते हैं, टूथ कार्विंग. हमारे टोटल 32 टीथ हैं, इन सबको हमें वैक्स ब्लॉक पे कार्व करके बनाना होता है. मैंने काफ़ी सारी वीडियोस, ऐसे शॉर्ट वीडियोस डाली हुई हैं, आप देख लेना. अगर लास्ट में हम पूरा एक बॉक्स बनाते हैं, अपर टीथ को ऐसे अरेंज करते हैं लोअर टीथ को, और वो प्रैक्टिकल में उसके मार्क्स मिलते हैं. बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी में तो नॉर्मल प्रैक्टिकल्स जो हमने पहले भी किए हुए हैं, जैसे 11th-12th में, वो सब ऐसे ही करने होते हैं, उनमें कुछ नया नहीं होगा. जब आप करोगे तो मतलब समझ में आ जाएगा, इजीली हो जाएगा. ह्यूमन एनाटॉमी है, उसमें प्रैक्टिकल्स में स्पॉटिंग तो सभी में आती है, उसमें भी स्पॉटिंग करनी होती है. स्लाइड्स दिखाते हैं, स्लाइड्स डेंटल एनाटॉमी में भी होती हैं, वाइवा. और जो लोग हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो पूछ रहे थे कि कैसे, क्या प्रोसीजर है. आपको नॉर्मल काउंसलिंग करनी है, काउंसलिंग करवानी है. अगर आप पंजाब से हैं तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू हो जाएगा, अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में भर दो इस कॉलेज का नाम. और हाँ, मुझसे ये भी पूछा जा रहा था कि आपने लोगो वाला वाइट कोट पहना होता है, तो आपको आपकी वाइट कोट सेरेमनी होती है, आपको वो लोग कोट प्रोवाइड करते हैं. हाँ, वाइट कोट सेरेमनी होती है, बट ये कोट हमने खुद सिलवाया था. और जो हम डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, हमारे कॉलेज के अंदर एक शॉप है, हमें वहाँ से सारा कुछ मिल गया था, बट हमें लिस्ट मिली थी एक टीचर्स की तरफ से कि हाँ आप ये चीज़ ले लेना चाहते, तो मैं आपको बता दूँगी, वो लिस्ट मैं यहाँ पर लगा दूँगी. ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह तो खुद का ही सारा करना होता है. फर्स्ट ईयर में इतने महंगे नहीं आते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 thousand के बीच में आ जाएंगे. और हमें प्रोस्टोडोंटिक्स भी एक सब्जेक्ट होता है, प्रोस्टोडोंटिक्स में सारा प्रैक्टिकल का काम, वो सारा मतलब है तो एडिशनल सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के लिए. यही सजेशन रहती है कि आप साथ साथ में उसको किए, मतलब जो भी प्रैक्टिकल का कर लो उसे, ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए. और जो डेंटल मटेरियल्स, एक वो भी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में हमें तो पढ़ाया गया था, बाकी कॉलेजेस के अकॉर्डिंग होता होगा. तो कुछ चैप्टर्स कवर किए गए थे और वो इस साल हमारा थ्योरी का सब्जेक्ट है. और जिन लोगों ने नहीं किया था, उनको अभी हो रहा है कि यार काश हम पिछले साल ही कर लेते, क्योंकि फर्स्ट ईयर कंपेरेटिवली ईजी है. और ह्यूमन एनाटॉमी मतलब पहले स्टार्टिंग में टफ लगती है, बट बाद में जब आप फेमिलियर हो जाते हो वर्ड्स के साथ तो ईजी हो जाता है. ह्यूमन एनाटॉमी ही सबसे बड़ा फियरफुल सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में. उसके अलावा बाकी
फिजियो बैक है, उनकी ये टेंशन रहती है कि एक दिन में पेपर है, पेपर देने तो कैसे करेंगे. बट अगर आप अच्छे से एनालाइज कर लो प्रीवियस क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो अपनी स्टार्टिंग से ही, तो वो करना ईजी हो जाता है. और इसकी एक वीडियो मैं सेपरेटली डाल दूँगी इस चैनल पर कि कैसे सारा फर्स्ट ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करना है. अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको जल्द से जल्द बना के दे दूँगी. ठीक है, अगर कोई और डाउट हो आपका पूछने वाला तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ लेना, और मतलब मैं सारा एक ही वीडियो में कवर कर लूँगी. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको यूज़फुल लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना. सो थैंक यू वेरी मच.